नमस्कार। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में सबसे जरूरी भाव, जिसे ज्योतिषी भाषा में अगर कहा जाए धनेश बोला जाता है, धनेश या धन भाव का स्वामी। अपनी जन्म कुंडली उठाइए, उसमें देखिए पहला भाव, ऐसे हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके भाव होते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। दूसरे भाव को हम धन भाव कहते हैं और इसके स्वामी को धनेश कहते हैं। धनेश से संबंधित या धन भाव से संबंधित कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। धन भाव का मतलब होता है कि आपकी भाषा में अगर कहा जाए बैंक, मतलब इस भाव से संबंधित चीजों में धन के लिए देखा जाता है कि व्यक्ति के पास धन आएगा और वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अब धनेश का विभिन्न भावों में बैठना, धन भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में बैठना क्या परिणाम दिखाता है, किस तरीके से देखा जाता है, इस पे मैं आपको एक एक भाव से संबंधित चीजों में मैं बताऊंगा। धन भाव का स्वामी धनेश अगर कहा जाए लगन में, धनेश अगर कहा जाए धन भाव में, धनेश अगर कहा जाए तृतीय भाव जो कि साहस भाव, एक एक भाव से आपको मैं बताऊंगा किस भाव में धनेश का बैठना किस तरीके के परिणाम देता है, एक विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। धनेश का लगन में बैठना, ठीक है, लगन मतलब इस भाव में। जब भी धन का स्वामी लगन में बैठे ऐसे लोग अगर कहा जाए सफल व्यवसायी होते हैं, अच्छा व्यवसाय को ये दिखाता है। धन को लेके थोड़ा सा जल्दबाजी होती है ऐसे लोगों को, धन को लेके जल्दबाजी को भी दिखाता है। किसी भी हद तक का रिस्क लेने की क्षमता को दिखाता है। किसी भी हद तक का व्यक्ति जाके जो है धन कमाने के लिए ललायित होता है, ऐसे लोग धनवान होते हैं, यश प्राप्त करने वाले होते हैं। यश मतलब कम, किसी के लिए कम भी मेहनत करेंगे उसका परिणाम उनको मिल जाएगा, यश में बढ़ोतरी को दिखाता है। परिवार से थोड़ा सा दुखी होते हैं, जब भी इसका स्वामी यहाँ बैठता है तो थोड़ा सा परिवार से दुखी होते हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है। अब धन भाव का स्वामी अगर धन भाव में बैठे, मतलब धन का स्वामी इस भाव का स्वामी इसी में बैठे, तो उसके क्या परिणाम, बेहद चतुर होते हैं ऐसे लोग, लोभी होते हैं, कहीं ना कहीं कंजूसी को भी दिखाता है। एक अच्छी चीज है कंजूसी या पैसा बचा के चलना चाहिए भविष्य को देखते हुए। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं अगर धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठे। पॉलिटिक्स या राजनेता से संबंधित गुण होते हैं इसके, ऐसे लोगों के अंदर, अगर वो राजनीति में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा कहा गया है। व्यवसाय से संबंधित चीजों में कुशल बनाता है, व्यवसाय से संबंधित चीजों में व्यक्ति को परिपक्व बनाता है अगर धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठे। धनेश अगर कहा जाए आपका तृतीय भाव में बैठे, मतलब इस भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में बैठे, विशुद्ध व्यापारी बनते हैं, व्यापार से संबंधित चीजों में बड़ी अच्छी पकड़ होती है, कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा कहा जाता है। लेकिन कलह करने वाले, रोने वाले कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे कलह ऐसे लोग बहुत करते हैं, रोने की आदत ऐसे लोगों की होती है, थोड़े से ठग भी कहलाते हैं। मतलब ठग कहलाने का मतलब ये हो गया कि दूसरों के पैसे पे नज़र ऐसे लोगों की होती है। यात्राओं से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है, अच्छी यात्राएं करते हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है यात्राओं से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। धनेश अगर चतुर्थ भाव में बैठे, इसका क्या मतलब है, धनेश अगर चतुर्थ भाव में बैठता है तो ऐसे लोगों को जमीन से संबंधित चीजों में लाभ मिलता है, पिता के कारण लाभ मिलता है। ऐसे लोग सत्यवादी होते हैं, बोलने का ढंग या सत्य बोलना ऐसे लोगों को पसंद होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। अगर धनेश आपका जो है चतुर्थ भाव में बैठे, लंबी आयु को भी दिखाता है, अपना मकान जरूर बनेगा ये भी कहा जाएगा, और बेहद मेहनती या परिश्रमी ऐसे लोग होते हैं, व्यापार से संबंधित चीजों में अच्छी सफलता को दिखाता है। धनेश अगर कहा जाए पंचम भाव में अगर बैठता है, धनेश पंचम में बैठने के कारण संतान बेहद अच्छी होगी, संतान के कारण व्यक्ति को धन का लाभ होगा, चाहे संतान होने के बाद धन लाभ मिले या संतान जब बड़ी हो जाए तो उसके कारण धन का लाभ मिले। संतान से सुखी ऐसे लोग होते हैं जो भी धन भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठता है, प्रसिद्ध होते हैं, सरकारी धन ऐसे लोगों को मिलता है। पेट से परेशान होते हैं, पाचन क्रिया थोड़ा सा दिक्कत या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, पेट से परेशान होते हैं,
प्रेम संबंध कईयों बार बनते हैं, कई बार ऐसे लोगों के अगर कहा जाए अफेयर होंगे कईयों बार, और अफेयर ज्यादा दिन नहीं चल पाते हैं। एक समय ऐसा आता है, वो भी अंत समय, ठीक है, बुढ़ापा, व्यक्ति जो है अकेला पड़ जाता है, ये इसको भी दिखाता है और बुढ़ापे में थोड़ा सा दुखों को भी दिखाता है। जब भी धनेश आपका जो है पंचम भाव में बैठे, धनेश अगर कहा जाए छठे भाव में बैठे, इसका क्या मतलब है? रोग ऋण और शत्रु का भाव ये कहलाता है। कहीं ना कहीं धन को लेके संचय करने में दिक्कत, धन को लेके संघर्ष ऐसे लोग करते हैं। शत्रुओं पे विजय मिलती है, उसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि ऐसे लोगों को शत्रुओं पे विजय मिल जाती है। धनेश अगर कहा जाए छठे भाव में बैठे, जमीन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित चीजों में लाभ, ऐसे लोग फेमस भी होते हैं। धन का स्वामी अगर आपके छठे में भाव बैठे, ऐसे लोग फेमस होते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं सेवा के भाव में लगे रहते हैं, और कर्ज से ऐसे लोगों को हमेशा दूर करके चलना चाहिए। कर्ज से संबंधित चीजों के लिए अच्छा नहीं कहलाता है धनेश अगर छठे भाव में बैठे। धनेश अगर कहा जाए सप्तम भाव में बैठे, इसका क्या मतलब है? देखिए, धन भाव का स्वामी जिसे हम लोग कहते हैं धनेश, सप्तम भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति भोग विलासी होते हैं, ठीक है, लग्जीरियस को दिखाता है। पत्नी के कारण व्यक्ति को धन मिलता है, ये इसको भी दिखाता है। भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग अगर धन का स्वामी जो है आपके सप्तम भाव में बैठे। जीवन साथी का प्रेमी होता है, जीवन साथी से बेहद प्रेम करता है, चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, चपलता और चंचलता दोनों ही ऐसे लोगों के अंदर होती है। धनेश अगर अष्टम भाव में बैठे, इसका क्या मतलब? धनेश अगर अष्टम भाव में बैठे, ऐसे में कहा जाएगा तरह तरह के पाखंड, तरह तरह के झूठ में ऐसे व्यक्ति लिप्त होते हैं। ऐसे लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपना नुकसान खुद करते हैं, जल्दबाजी ऐसे लोगों के अंदर बिल्कुल विद्यमान रहती है। लेकिन धन के लिए अच्छा है, भाग्यशाली भी कहा जाएगा, धन आएगा, ऐसे लोगों को ये दिखाता है। भाग्य के भरोसे काम करने वाले ऐसे लोग होते हैं, बेहद लापरवाह ऐसे लोग होते हैं, अपने शरीर के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, या कह लिए अपने शरीर का नुकसान करते हैं। बड़ा देख दाख के ऐसे लोगों को चलना चाहिए। धनेश अगर नवे भाव में बैठे, जो कि भाग्य भाव कहलाता है, ऐसे व्यक्ति दानी होते हैं, ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए प्रसिद्ध होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को यश मिलता है, ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए बेहद ज्ञानी होते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहेंगे उस क्षेत्र में उनका ज्ञान भरपूर होगा। कई तरीके के ऐसे लोगों को ज्ञान होते हैं, कई तरीकों का ज्ञान ऐसे लोगों को अगर कहा जाए होता है। भाग्यशाली बनाता है अगर धन का स्वामी भाग्य में बैठे। परिवार पे ध्यान देने वाला, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले ऐसे लोग होते हैं अगर धन भाव का स्वामी भाग्य में बैठे। धनेश अगर धन भाव का स्वामी अगर दशम में बैठे, धनेश अगर दशम में बैठे, इसका क्या मतलब? इस भाव से हम लोग कर्म का विचार करते हैं। राज्य, उच्च अधिकारी, सरकारी तंत्र या सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों को दिखाता है। मैनेजमेंट ऐसे लोगों का बड़ा अच्छा होता है, मैनेजमेंट से संबंधित सफलता को दिखाता है या मैनेजमेंट से संबंधित चीजों को दिखाता है। धनी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, कम मेहनत में ज्यादा लाभ को दिखाता है अगर धन का स्वामी आपके जो है दशम भाव में बैठे। सभी प्रकार के भौतिक सुख, अपनी जाति को लेके, अपने देश को लेके, अपने लोगों को लेके ऐसे लोगों को अति प्रेम होता है। जिस भी देश में है, जिस जाति में है, अपनी जाति से, अपने देश से प्रेम करते हैं। सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिम्मेदारियां या सिस्टमेटिक ढंग से अभी सभी चीज़ें करते हैं, ये इसको भी दिखाता है। धनेश अगर लाभ भाव में बैठे, धन भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में बैठे, इसका क्या मतलब है? प्रसिद्ध व्यापारी, अच्छे स्तर का व्यापारी, धन की जीवन पर्यंत कमी नहीं, अगर नौकरी में भी है तो अच्छे पद को दिखाता है। ऐसे लोगों के पास उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, लेकिन उससे निकलने की क्षमता होती है। भाग्य के ऐसे लोग अगर कहा जाए धनी होते हैं, परिवार का सुख मिलता है ऐसे लोगों को, विवाह के उपरांत सफलता को भी ये दिखाता है। कम उम्र में ऐसे लोग धन कमाना शुरू कर देते हैं, जब भी धन का स्वामी लाभ में बैठे।
बचपन थोड़ा सा संघर्ष में दिखाता है, ये बचपन में थोड़ा सा संघर्षों को दिखाता है, लेकिन कम उम्र में भाग्योदय ऐसे लोगों का हो जाता है। धनेश अगर कहा जाए द्वादश में बैठे, धनेश द्वादश में बैठे, ऐसे लोग अगर कहा जाए, धन ऐसे लोगों के पास नहीं रुकता। विदेश से संबंधित नौकरी या विदेश से संबंधित गमन करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, व्यापार से संबंधित चीजों में उसके लिए अच्छा कहलाता है। घर से दूर रह के काम करते हैं, कर्जा बड़ा सोच समझ के ऐसे लोगों को लेना चाहिए, मार्केट से कर्ज इत्यादि चीजें बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, कर्ज के लिए अच्छा नहीं कहलाता। जीवन साथी के स्वास्थ्य में ये कमी को दिखाता है। अगर धन का स्वामी जो है द्वादश में बैठता है, जमीन से संबंधित वाद विवाद या संपत्ति से संबंधित वाद विवाद को दिखाता है। अपने परिवार या परिवार को लेके व्यक्ति दुखी होता है, ये इसको भी दिखाता है अगर धनेश द्वादश में बैठे। इस तरीके से धनेश का 12 भावों में क्या परिणाम होता है, उन चीजों को मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।